हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ लेजर। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर फेब्रुवरी 2019। ठीक है, तो मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है और स्टूडेंट जर्नल एंट्री पास करने के बाद में मुझे उसे लेजर में पोस्ट भी करना है। ठीक है, ईयर है हमारा 2019, मंथ है फेब। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, पूरा जर्नल कंप्लीट करेंगे। एक बार हमारा जर्नल पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम स्टूडेंट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम एक एक करके एंट्री पास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एंट्री स्टूडेंट लिखा हुआ है हमारा, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, कैश 1,70,000, आउट ऑफ विच 50,000 बोर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार एट द रेट ऑफ 10% पर एन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट एंट्री क्या है वो समझते हैं। अभी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट यहाँ पे है सुनील अकाउंट। अभी सुनील क्योंकि स्टूडेंट हमारा क्या है यहाँ पे, सुनील हमारा ओनर है बिजनेस का, फर्म का, तो कैपिटल अकाउंट हम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे सुनील क्योंकि बिजनेस में दे रहा है, क्या दे रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, करेक्ट ना। तो सुनील इज गिवर, अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सुनील अकाउंट का हमने रोल देख लिया। अब हम देखते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, तो सेकेंड अकाउंट होगा स्टूडेंट स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे लिए एसेट है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अकॉर्डिंगली स्टॉक ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रियल अकाउंट। नेक्स्ट कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, नेक्स्ट जो अकाउंट है स्टूडेंट वो है हमारा केदार अकाउंट। कौन सा अकाउंट, केदार अकाउंट। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा अब क्या है स्टूडेंट, केदार अकाउंट क्या लिखा हुआ है केदार अकाउंट के लिए, के वो उससे हमने 50,000 बोरो किए, कितने बोरो किए, 50,000 बोरो किए। ओके, तो केदार पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो, तो केदार क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, हमें पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है बिजनेस को, करेक्ट ना। तो केदार कौन हो गया, केदार हमारा गिवर हो गया, अकॉर्डिंगली केदार अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे केदार अकाउंट और सुनील अकाउंट क्रिएट होगा, और स्टॉक ऑफ गुड्स और कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एंट्री क्या होगी हमने देख ली यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते फिर एंट्री पास करना। सबसे पहले हम जनरल एंट्री में डेट डेट लिख देंगे स्टूडेंट, डेट कौन सी, डेट सॉरी ईयर लिख देंगे, कौन सी ईयर की एंट्री है, ये है 2019 की एंट्री, करेक्ट। और जो मंथ है वो है फेब, कौन सा स्टूडेंट, फेब। ओके, तो चलिए स्टूडेंट एंट्री क्या थी हमारी यहाँ पे, एंट्री थी हमारी स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट, थर्ड था क्या बोलते कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, और केदार अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, केदार लोन अकाउंट क्रेडिट, तो ये चार अकाउंट्स मैंने एंट्री पास कर दिए। और स्टूडेंट अमाउंट जो है वो क्या आएगा अब हम देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ गुड्स जो क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट, उसका अमाउंट दिया गया है 20,000, कितना दिया गया स्टूडेंट, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट कैश का जो अमाउंट है स्टूडेंट वो है हमारा 1,70,000, 1,70,000, करेक्ट। और केदार से हमने लोन कितना लिया स्टूडेंट, केदार से लोन लिया हमने 50,000 का। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट ये जो 170 है स्टूडेंट, 170 में से 120 कितना, 170 में से 120 सुनील का है, बाकी का 50 ये लोन के थ्रू आया हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कैपिटल में कितना होगा स्टूडेंट, कैपिटल में 120 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो अकॉर्डिंगली कैपिटल में 140 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, 140। ठीक है ना, 1,40,000। ओके, तो 170 क्या है, ये लोन के बाद वाला अमाउंट है कैश अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो कैपिटल फाइंड करने के लिए इसमें से माइनस कर देगी, या फिर अदर वे आप ये दोनों का टोटल ले लीजिए 190, उसमें से केदार लोन अकाउंट माइनस कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक कैपिटल मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कैपिटल का अकाउंट हमने इस तरीके से फाइंड किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं अब हम, बींग बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक ऑफ गुड्स कैश एंड लोन टेकन फ्रॉम केदार एट 10%, ओके सॉरी एट द रेट ऑफ 10%। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो है 5th ऑफ
फैब की, क्योंकि 5th ऑफ फैब। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विथ मोहन, फॉर विच एडवांस ₹5,500 वॉज पेड। स्टूडेंट हमने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, बट ऑर्डर प्लेस करने से गुड्स तो आ नहीं जाता स्टूडेंट। ऑर्डर प्लेस किया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसके पास प्लेस किया, मोहन के पास में, और हमने मोहन को 5,500 एडवांस भी दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। मोहन को हमने क्या किया, 5,500 का एडवांस भी दिया। गुड 7,000 खरीदा, खरीदने का ऑर्डर दिया, वो इरिलेवेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट का, ये पोर्शन का कोई लेना देना नहीं है, ओके, क्योंकि ट्रांजेक्शन अकर नहीं हो रहा है। ऑर्डर देना इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, जब हमें गुड्स मिलेगा वो ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मोहन का हो रहा है, ठीक है ना। हम मोहन को क्या कर रहे हैं, एडवांस दे रहे। कितना दे रहे हैं एडवांस, 5,500। तो अकॉर्डिंग स्टूडेंट एंट्री जो आएगी वो क्या आएगी, एंट्री आएगी एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बिजनेस से जा रहा है। सेकेंड एडवांस टू मोहन, क्या स्टूडेंट, एडवांस टू मोहन, ओके। तो ये जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट, डेबिट द रिसीवर, एडवांस टू मोहन के हमारे पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। तो स्टूडेंट चलिए एंट्री पास करते हैं अभी इसकी, 5 फेब की। तो एंट्री होगी स्टूडेंट एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट, एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना इन्वॉल्व होगा, 5,500, 5,500। नरेशन, बींग एडवांस गिवन टू मोहन फॉर ऑर्डर प्लेस, ठीक है, फॉर ऑर्डर प्लेस फॉर गुड्स। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 9th ऑफ फेब की, ठीक है, 9th फेब। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4,500। हमने क्या किया स्टूडेंट, स्टेशनरी परचेज की, हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की ऑफिस यूज के लिए, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन से अकाउंट है, एक तो है स्टेशनरी अकाउंट जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अकॉर्डिंगली डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कैश अकाउंट, किससे परचेज किए वो नहीं दिया, मतलब ये गुड्स हमने स्टेशनरी हमने कैश से के खरीद दिए, तो सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट। तो एंट्री हुई स्टूडेंट स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 4,500। चलिए एंट्री पास कर देते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 4,500, 4,500 बींग परचेज स्टेशनरी, ओके। चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी 12th फेब की, ठीक है, क्या दिया हुआ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल 2,000। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट 2,000 के। तो स्टूडेंट गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते क्यों, क्योंकि हम हमें एडवर्टाइजमेंट करना होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक तो हो गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा, डेबिट। सेकेंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, ठीक है, ये अकाउंट आएगा। अभी ये क्या स्टूडेंट हमारा रियल अकाउंट है, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अकॉर्डिंगली गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल 2,000, 12th ऑफ फेब। चलिए एंट्री पास कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल 2,000, 2,000 डन। नरेशन, बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट हमारी 17th ऑफ फेब की, ठीक है, पेड फ्रेट ₹400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव, देव के बिहाफ पे हमने पे किया स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे आप भी कभी कहीं जाते हो तो किसी फ्रेंड ने अगर पैसे लाना भूल गए तो आप उसके बिहाफ पे आप पे करते हो, बरोबर ना, आप क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आपने पे किया, मतलब आपने हैज गुड हैज देव को दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देव कौन हुआ स्टूडेंट, रिसीवर हुआ, डेबिट द रिसीवर, ओके, डेबिट द रिसीवर, और हम पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, देव अकाउंट डेबिट, हम देव के बिहाफ पे कर रहे, मतलब हैज गुड हैज हम देव को दे रहे, इसलिए देव रिसीवर हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री होगी 17th फेब की, ठीक है। चलिए एंट्री पास कर देते हैं, देव अकाउंट डेबिट, देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 400, 400, ठीक है। नरेशन, बींग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ देव। चलिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी 24th ऑफ फेब की, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन हैज पर ऑर्डर डेटेड 5th ऑफ फेब 2017 एंड सेटल हिज अकाउंट। तो स्टूडेंट मोहन को जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था 5 तारीख को, वो ऑर्डर हमें मिल गया, 7,000 के गुड्स हमारे पास में आ गए, और हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब जो बैलेंस पे करना था वो हमने यहाँ पे से पे कर लिया स्टूडेंट, ठीक है।
चलिए कौन कौन सी एंट्री आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, गुड्स परचेस किया, ऑर्डर मिला मतलब हमने गुड्स परचेस किया, तो परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट आएगा स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सेकंड, हम उसके अकाउंट सेटल करें मतलब हम इसे कैश दे रहे हैं, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना, ओके। और स्टूडेंट अकाउंट सेटल करने के लिए जो हमने एडवांस दिया है, एडवांस को वापस क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट ना, परचेज के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा एडवांस को। तो जो एडवांस टू मोहन हमने यहाँ पे डेबिट किया था, अब हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम दो अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो परचेस अकाउंट, डेबिट डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, अकाउंट सेटल करें मतलब हम इसे पे करें, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस था हमारा 7000 का, पे हम करेंगे स्टूडेंट 5500, तो ऑलरेडी पे कर लिया, तो 1500 अभी हम पे करेंगे, बरूबर ना, 1500 पे करेंगे। बट आप देखोगे डेबिट में 7000 आ रहा है, क्रेडिट में 1500 आ रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस तो कुछ तो आना चाहिए ना। जो हमने एडवांस में दिया था मोहन को, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, वो अभी एडवांस नहीं रहेगा, वो एडवांस सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एडवांस टू मोहन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री पास कर लेते अभी फटाफट, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस था हमारा 7000 का, कैश हम पे करें 1500, क्योंकि जो एडवांस हमने दिया था अगेंस्ट ऑलरेडी पहला 4500, सॉरी कहाँ पे गया, 5500 का एडवांस दिया था। अब ये हमें क्या करना है, क्योंकि हमें गुड्स मिल गया, तो ये अभी एडवांस नहीं रहा, गुड्स मिलने के बाद में एडवांस नहीं रहा, तो इसे नलीफाई करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। फिर डेबिट है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू एडवांस टू मोहन अमाउंट 5500, ठीक है। नरेशन बींग गुड्स रिसीव फ्रॉम मोहन हैज़ पर ऑर्डर डेटेड 5th of Feb एंड सेटल हिज अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये एंट्री भी हमारी पूरी होती है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, बॉट्स गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 month क्रेडिट फॉर ₹7000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विथ इंस्ट्रक्शन टू सेंड हिम टू सागर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं किससे, शेखर से, ठीक है। कितने के गुड्स, 7000 के, कितने में, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो स्टूडेंट 20% ट्रेड डिस्काउंट जब आप 7000 पे कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 1400, कितना आएगा स्टूडेंट 1400। तो 7000 में से 1400 जब आप माइनस करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 5600। तो हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट 5600 की होगी, ठीक है ना। तो हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमें वो गुड्स कौन दे रहा है, शेखर, शेखर इज गिवर, ठीक है। तो ये हम एंट्री पास कर देते हैं, ओके। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं, ये जो एंट्री है वो है हमारी 27th of Feb की, परचेस अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट, अमाउंट कितना 5600, 5600। नरेशन बिंग परचेस गुड्स फ्रॉम शेखर एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट हमारी 28th Feb की, ठीक है। 28th Feb समवेयर यहाँ से कनेक्टेड है स्टूडेंट, हमने शेखर को बोल दिया था कि भाई एक काम कर, तो गुड्स डायरेक्टली सागर को भेज दे, गुड्स क्या कर दे, सागर को भेज दे, ठीक है। तो वो तो शेखर हमारे बिहाफ पे कर देगा, भेज देगा। अभी सेंड, अभी गुड्स तो चला गया, सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस, फिर अब हम बिल भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, बिल भेज रहे हैं और गुड्स सप्लाइड बाय शेखर, जो शेखर ने हमें गुड्स सप्लाई किया था वही गुड्स का इन्वॉइस हम सागर को दे रहे हैं एट लीस्ट प्राइस लेस 10% डिस्काउंट, और हम सागर को 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 7000 का 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6600। तो हम या फिर सुनील जो है वो सागर को 6300 का बिल इशू करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे सागर गुड्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो सागर रिसीवर हो गया, सागर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 6300, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, ओके। शेखर से हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, अमाउंट मिल गया 5600, बट जब हम सागर को ये इनवॉइस इशू करें तो 10% ही डिस्काउंट दे रहे, 10% किसका, 7000 का, अकॉर्डिंगली कितना आएगा 6300, ठीक है। तो चलिए सेल्स की एंट्री पास करते हैं, सेल्स की एंट्री आएगी स्टूडेंट सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 6300, 6300। नरेशन बिंग गुड सोल्ड टू सागर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके स्टूडेंट। सारी एंट्रीज हमने कवर अप कर दी, अब हम यहाँ पे टोटल अप कर देते हैं, टोटल आ रहा है हमारा 221300, 221300, ठीक है।
स्टूडेंट एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको अगर क्या एंट्रीज चाहिए रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, ठीक है। तो ये टिल 9th तक ही आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट 12th से 27th तक की एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। ये लास्ट एंट्री स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके नोट्स के लिए काम आ जाएगा स्क्रीनशॉट्स। अभी हम मूव करते हैं लेजर की तरफ स्टूडेंट। तो हमने जर्नल पूरा प्रिपेयर कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेजर अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। और लेजर करने के टाइम पे हमें बहुत ही सावधानी से स्टूडेंट एंट्री पोस्ट करनी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लगभग सभी एंट्री में नए नए अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो जितने भी अकाउंट्स अपियर हो रहे उतने हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चार अकाउंट, ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, कैपिटल और केदार लोन अकाउंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अकाउंट प्रिपेयर करके रखे हुए ऑलरेडी। स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, कैपिटल और केदार लोन अकाउंट, ठीक है। ये चार अकाउंट हमने फर्स्ट एंट्री में देख के प्रिपेयर कर लिए स्टूडेंट, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, एडवांस टू मोहन और कैश। अकॉर्डिंगली हम एडवांस टू मोहन और कैश अकाउंट प्रिपेयर करिए। एडवांस टू मोहन, कैश, स्टेशनरी, तीन अकाउंट। एडवांस टू मोहन, कैश अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। केदार के एडवांस टू मोहन, स्टेशनरी अकाउंट और स्टेशनरी। कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके स्टूडेंट आपको क्या करना है, जितने भी एंट्रीज है ना उस तरीके से एक एक करके, एडवर्टाइजमेंट टैक्स हमने प्रिपेयर करके रखा था, ठीक उसी तरीके से जितने भी एंट्रीज आ रही है एक एक करके आप क्या करो उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें लेजर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ओके तो स्टूडेंट जितने भी अकाउंट्स हैं अकॉर्डिंगली आप उसके लेजर्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक एक करके एंट्री पोस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक एक करके एंट्री पोस्ट करके आपको बहुत ही केयरफुली एंट्री रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट है, ठीक है। इसके ऑपोजिट जो एंट्री स्टूडेंट क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट है, इसके ऑपोजिट कौन सी एंट्री हमारी, कैपिटल अकाउंट भी है और केदार लोन अकाउंट भी है। बट स्टूडेंट आपको दोनों भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो कौन लेके आ रहा है, वो ओनर लेके आ रहा है। अकॉर्डिंगली हमें स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट, सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट लिखना है। ओके अब तक हम जितनी भी एंट्री करते थे उसमें क्या होता था, डेबिट है तो वो अकाउंट के डेबिट में आके हम जितना भी क्रेडिट होता था सब नोट कर लेते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आप स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में जाओगे और सिर्फ कैपिटल लिखोगे, क्योंकि ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो ओनर लेके आ रहा है सिर्फ स्टूडेंट। कौन लेके आ रहा है, सिर्फ ओनर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में हम टू कैपिटल लिखेंगे। अमाउंट आएगा हमारा स्टूडेंट 20,000, कितना आएगा अमाउंट 20,000, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट में जाते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट में जाते हैं, ये हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, ठीक है। इसके डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले ईयर नोट कर देगी स्टूडेंट, ईयर है हमारा 2019, ठीक है, 2019। इसके डेबिट में आएंगे और लिखेंगे फेब फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो जो स्टॉक है वो ओनर लेके आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टू कैपिटल आएगा, अमाउंट आएगा 20,000, ठीक है, अमाउंट आएगा 20,000। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एंट्री पास कर दी है, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सब कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट कैश अकाउंट, ओके कैश अकाउंट डेबिट है स्टूडेंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू कैपिटल लिखेंगे और टू केदार भी लिखेंगे। अभी आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो कैश है 170 वो रिप्रेजेंट कर रहा है 120 कैपिटल का और 50,000 लोन का, ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स सिर्फ कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि स्टॉक ऑफ गुड्स सिर्फ ओनर लेके आया था, ठीक है ना। अभी जो कैश है 170, उसमें ओनर का भी अमाउंट इन्वॉल्व है 120 और केदार का भी अमाउंट इन्वॉल्व है 50,000, इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट में हम ये दोनों अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे और केदार लोन अकाउंट भी लिखेंगे, अमाउंट आएगा 120 और 120 और 50, ठीक है। ध्यान से आपको प्रॉपरली लिखना है, 120 कैपिटल का कैश बिलोंग करता है और 50 केदार का लोन है।
अकॉर्डिंगली, सबसे डिफिकल्ट जर्नल एंट्री स्टूडेंट। तो अभी हम कैश अकाउंट के डेबिट में जा रहे हैं और नोट कर रहे हैं, सॉरी कैश अकाउंट के डेबिट में जा रहे हैं। ओके और यहाँ पे हम नोट करेंगे सबसे पहले तो ईयर 2019, और नोट करेंगे डेट फेब 1। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना था शुंड? जो कैश है उसमें कैपिटल मेरा बिलोंग कर रहा था 1,20,000 का, करेक्ट। और जो लोन अकाउंट है शुंड, केदार लोन अकाउंट, वो उसमें कितना बिलोंग कर रहा है? 50,000। इस तरीके से हमने कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में दोनों भी चीज़ें नोट कर लिए स्टूडेंट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट। कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट किसका बना हुआ? कैपिटल अकाउंट स्टॉक ऑफ गुड्स का भी बना हुआ है और कैश का भी बना हुआ है। स्टॉक ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट कर रहा है 20, कैश रिप्रेजेंट कर रहा है 1,20,000। तो कैपिटल अकाउंट में मैं ये दोनों भी अकाउंट नोट करूंगा। ठीक है, अमाउंट 20 और 1,20,000। ओके, तो चलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव लेजर में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे हम नोट करेंगे। सबसे पहले तो ईयर नोट कर लेंगे 2019, 2019। ठीक है, अब यहाँ पे डेट नोट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में गए, यहाँ पे नोट करेंगे फेब 1। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, सेकेंड बाय कैश अकाउंट। स्टॉक ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट कर रहा था 20,000 कैपिटल में, और कैश रिप्रेजेंट कर रहा था 1,20,000। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हमने कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री क्या कर दी है? पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब बारी है केदार लोन अकाउंट की। केदार लोन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, बट ये लोन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? डेबिट में। डेबिट में सिर्फ कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि केदार जो है उसने स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं लाया था, ठीक है ना, सिर्फ कैश लेके आया था। तो कैश अकाउंट, केदार लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखूंगा मैं? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट? अमाउंट आएगा 50,000। ठीक है, तो चलिए केदार लोन अकाउंट में जाते हैं। केदार लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, केदार लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। ओके, सबसे पहले ये ईयर लिख देते हैं, हर टाइम का प्रॉब्लम। ठीक है, तो केदार अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हम यहाँ पे नोट कर देंगे फेब 1। यहाँ पे हम रिपेन करेंगे बाय कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे केदार लोन कितना लेके आ रहा है स्टूडेंट? सिर्फ 50,000 लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कैश का जो डिटेल है वहाँ पे सिर्फ 50,000 हम नोट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने चारों भी एंट्री का मैंने लेजर में पोस्ट कर दिया, और ये पोस्टिंग काफ़ी अलग थी बाकी के रेगुलर सम्स के मुकाबले। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये तो हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो एडवांस टू मोहन है। अब हमें क्या करना है? एडवांस टू मोहन के डेबिट में जाना है, और क्या लिखना है? टू कैश। सिंपल एंट्री है, यहाँ पे कुछ एक ही डेबिट है, एक ही क्रेडिट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब कंबाइंड डेबिट क्रेडिट होता है ना, तब थोड़ा इशू आता है। ठीक है, तो एडवांस टू मोहन है, तो एडवांस टू मोहन में जाएंगे, मोहन के डेबिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे? टू कैश। तो चलिए एडवांस टू मोहन के अकाउंट में जाते हैं। 5 फेब का एंट्री है, एडवांस टू मोहन। ठीक है, एडवांस टू मोहन के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या नोट करेंगे? सॉरी, और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू कैश अकाउंट। क्या नोट करेंगे स्टूडेंट? टू कैश अकाउंट, फिफ्थ टू कैश अमाउंट। एडवांस कितना दिया था हमने? 5,500। ठीक है, तो स्टूडेंट एडवांस टू मोहन में मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। एडवांस टू मोहन के डेबिट में जाके मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी टू कैश। अब बारी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना है मुझे, और लिखना है एडवांस टू मोहन। ठीक है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चलते हैं। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहुंच गए, यहाँ पे लिखेंगे डेट सबसे पहला फेब 5। ठीक है, फेब 5 बाय एडवांस टू मोहन अकाउंट अमाउंट 5,500। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया अभी। ठीक है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक उसी तरीके से अभी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है, तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाए, और क्या लिखेगा स्टूडेंट? टू कैश अकाउंट लिखेंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में चलते स्टूडेंट। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में चलते हैं, सबसे पहला ईयर लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे डेट फेब 9 टू कैश। टू कैश अमाउंट कितना था स्टूडेंट स्टेशनरी का? अमाउंट था 4,500। ठीक है, तो स्टेशनरी के अकाउंट के डेबिट में जाके हमने टू कैश तो लिख दिया,
स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में जाके हमने टू कैश तो नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय स्टेशनरी। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चलते हैं स्टूडेंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पहले डेट लिख देते हैं 9th of Feb, बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अमाउंट 4500, ठीक है। तो स्टूडेंट कैश में भी मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड नहीं पोस्ट कर दी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 9th of Feb की भी एंट्री पूरी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं 12th Feb की, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्री सैम्पल। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट है, तो एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैम्पल। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ये रहा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाना स्टूडेंट, और क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैम्पल, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैम्पल अमाउंट, पर डेट लिख देते हैं, डेट है फेब ट्वेल्व, ओके फेब 12। अमाउंट कितना था स्टूडेंट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में, 2000, करेक्ट, कितना था 2000। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 2000, ठीक है, डन। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हमने नोट कर दिया 2000, ईयर भी नोट कर देते स्टूडेंट, ईयर आएगा अपना 2019। आप सबसे पहले ये लिख दीजिए ताकि बार बार ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट के डेबिट में हमने एंट्री पोस्ट कर दी है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब हम जाएंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के क्रेडिट में और वहाँ पे लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के क्रेडिट साइड में जाएगी, अब लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, डेट फेब 12 2000, ईयर भी रिकॉर्ड कर लेते स्टूडेंट, डन। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, एंट्री पोस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं देव अकाउंट, देव अकाउंट डेबिट है, तो देव अकाउंट के डेबिट में जाएगी और क्या लिखेंगे टू कैश 17 फेब, देव अकाउंट के डेबिट में जाना स्टूडेंट, देव अकाउंट के डेबिट में जाना है, ओके देव अकाउंट के डेबिट में, सबसे पहले ईयर देव अकाउंट के डेबिट में गए, यहाँ पे हम नोट करेंगे टू कैश, ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे स्टूडेंट 400, कितना 400, ठीक है, डन। तो देव के अकाउंट के डेबिट में आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पे टू कैश अकाउंट। चलिए यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, देव अकाउंट में भी हमने एंट्री पोस्ट कर दी है। अब हम जाएंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय देव अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे स्टूडेंट, कैश अकाउंट ये रहा हमारा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय देव अकाउंट 17 फेब की एंट्री, बाय देव अकाउंट, अमाउंट इन्वॉल्व था 400, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये भी हमारी एंट्री पोस्ट हो गई, कैश के क्रेडिट में भी हमने एंट्री पोस्ट कर दी है। अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 24th of Feb, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू एडवांस टू मोहन। स्टूडेंट परचेस अकाउंट के डेबिट में मैं दोनों भी लिखूंगा, ठीक है, एक डेबिट दो क्रेडिट या फिर दो डेबिट एक क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं है, दो डेबिट और दो क्रेडिट ऐसा कुछ रहेगा तो प्रॉब्लम होगा जैसा फर्स्ट एंट्री में था, ठीक है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में दोनों भी अकाउंट में नोट कर दूंगा, ठीक है ना, टू कैश भी टू एडवांस टू मोहन भी, ठीक है। तो 24th Feb की एंट्री स्टूडेंट, परचेस अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, परचेस अकाउंट के डेबिट में या पहुँच गए हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में, यह नोट कर देते हैं। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में स्टूडेंट हम दोनों भी चीज़ लिखने वाले हैं यहाँ पे फेब 24th, पहले तो यहाँ पे टू कैश अमाउंट 1500 और नेक्स्ट टू एडवांस टू मोहन, सॉरी गलती से एडवर्टाइजमेंट लिख दिया है, टू
एडवांस टू मोहन, ठीक है स्टूडेंट, टू एडवांस टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना स्टूडेंट, अमाउंट आएगा यहाँ पे 5500, कितना आएगा 5500। ओके चलिए स्टूडेंट, परचेज के एंट्री में मैंने दोनों भी अकाउंट पोस्ट कर दिए, परचेज के डेबिट में मैंने दोनों भी अकाउंट पोस्ट कर दिए, इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम मूव करेंगे कैश की तरफ, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाएंगे स्टूडेंट और क्या लिखेंगे, बाय परचेज। कैश के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय परचेज। अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट, अमाउंट आएगा 1500, ठीक है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। ये पहुंच गए हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, डेट नहीं लिखा था। ओके कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहुंच गए, यहाँ पे लिखेंगे इसका कैपिटल ले दो, कैश अकाउंट ध्यान देना एकदम प्रॉपरली। कैश अकाउंट के क्रेडिट में गए, डेट लिख दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश, सॉरी बाय परचेस अकाउंट, ठीक है, बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट आएगा 1500, कितना आएगा 1500। तो स्टूडेंट कैश अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया जाके बाय परचेस अमाउंट 1500, यहाँ पे भी हो गया, कैश में भी पोस्टिंग हो गई। अब एडवांस टू मोहन में जाना है स्टूडेंट, एडवांस टू मोहन के क्रेडिट में जाना है और वहाँ पे लिखना है बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखना है स्टूडेंट, बाय परचेस अकाउंट, चलो इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एडवांस टू मोहन में जाते हैं और लिखेंगे बाय परचेस अमाउंट 5500, एडवांस टू मोहन, एडवांस टू मोहन के क्रेडिट में जाना है, ठीक है, डेट लिखना है और लिखना है बाय परचेस अमाउंट 5500, 5500, ठीक है स्टूडेंट। तो सारी एंट्रीज लगभग हमने पोस्ट कर दी, अभी सिर्फ दो एंट्री बची हुई है, 27 फेब की और 28 फेब की। तो 27 फेब में परचेस अकाउंट डेबिट है स्टूडेंट, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएगी और क्या लिखेगा, टू शेखर अकाउंट 5600। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जाना है हमें, परचेस अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा परचेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, डेट 27, टू शेखर अकाउंट अमाउंट 5700, कितना 5700। तो स्टूडेंट शेखर अकाउंट परचेस अकाउंट के डेबिट में मैंने एंट्री पोस्ट कर दी है, अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे शेखर अकाउंट में, ठीक है। तो शेखर अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेज 5600, शेखर अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, शेखर अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेस, ठीक है, 5700, डेट 27th of Feb, ईयर भी नोट कर लेते स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट शेखर के अकाउंट में भी मैंने एंट्री पोस्ट कर दी है, अब सिर्फ लास्ट एंट्री बची है हमारी सागर अकाउंट डेबिट, तो सागर अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 20th Feb, सागर अकाउंट के डेबिट में जाना है और लिखना है टू सेल्स 6300। तो सागर अकाउंट के डेबिट में मूव करते हैं स्टूडेंट, सागर अकाउंट किधर है हमारा, ये रहा सागर अकाउंट, ठीक है, ये नोट कर लेते पहला। तो सागर अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, ये हमारा डेबिट साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे 25, 28, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 6300, ठीक है। तो एक मिनट, सागर था ना ये, हाँ सागर अकाउंट के डेबिट में हमने एंट्री पोस्ट कर दी है टू सेल्स अकाउंट, तो सागर अकाउंट के डेबिट में हमने एंट्री पोस्ट कर दी है टू सेल्स अकाउंट। अब हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय सागर अकाउंट, ठीक है ना, इसे भी हाईलाइट कर देता, लास्ट है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय सागर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये रहा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में गए और लिखेंगे बाय सागर अकाउंट, ठीक है, सेल्स के क्रेडिट में गए और लिखेंगे बाय सागर अकाउंट अमाउंट 6300, 28 फेब और ईयर। तो स्टूडेंट हमने इस तरीके से सारी एंट्रीज एक एक करके सारी एंट्री हमने लेजर में पोस्ट कर दिए, अब हम करेंगे लेजर अकाउंट को क्लोज, ठीक है, थोड़ा फटाफट करते हैं स्टूडेंट। हैवियर साइड डेबिट है 20000, ठीक है, डिफरेंस आएगा 20000, ये कहलाएगा बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन डेट होगी लास्ट डेट ऑफ फेब 28th Feb। अब ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मंथ में ये हम डेबिट साइड में नोट कर देंगे, ठीक है, March 1st बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, 20000। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा होता है स्टूडेंट हमेशा, तो बेझिझक आप डेबिट साइड का टोटल निकाल के लिख सकते हो, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट 1,70,000 में से माइनस करने पे आपको मिलेगा 1,58,100, ये होगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोज करने पे कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ फेब। अब ये हमारा डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, तो डेबिट साइड में जाएगी
और नेक्स्ट मंथ की डेट लिख के डिटेल्स फिलअप कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, क्या आएगा स्टूडेंट? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलिए नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड हैवियर है, ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे स्टूडेंट हम रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट डेट ऑफ फेब नेक्स्ट मंथ में जाएगा, सॉरी नेक्स्ट मंथ में हम जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में जाके हम रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट केदार लोन क्रेडिट साइड हैवियर है, डिफरेंस को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में जाके हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा स्टूडेंट? ब्रॉट डाउन। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, मैं करेक्ट करता आ रहा हूँ जहाँ पे मुझे मिल रहा है। अब एडवांस टू मोहन स्टूडेंट आप देख सकते हो, एडवांस टू मोहन अकाउंट क्या हो रहा है? टैली हो रहा है, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है स्टेशनरी डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, डेबिट साइड हैवी है, तो ये डिफरेंस है हम नोट कर देंगे स्टूडेंट एज बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट मंथ में ये डेबिट बैलेंस होने के नाते डेबिट साइड में अपेयर करेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में 4,500। एडवर्टाइजमेंट का हमारा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को हमने नोट कर दिया स्टूडेंट, डिफरेंस था हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये नेक्स्ट मंथ में जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में अमाउंट 2,000। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके अकाउंट सब क्लोज कर रहा हूँ। अब बचा है स्टूडेंट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, तो डिफरेंस हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और नेक्स्ट मंथ में ये ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ के मैं क्रेडिट साइड में ये डिटेल्स रिकॉर्ड कर दूंगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अभी देव अकाउंट कौन सा बैलेंस है? ये देव अकाउंट का है ये हमारा डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, करेक्ट, तो इसे हम रिकॉर्ड कर देते स्टूडेंट। जो डिफरेंस है उसे भी हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। ठीक है, नेक्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस है इसका भी, डिफरेंस को हम रिकॉर्ड कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के फॉर्म में। नेक्स्ट मंथ में ये डेबिट बैलेंस होने के नाते डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 12,700। शेखर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, डिफरेंस को हम नोट कर देंगे हैज बैलेंस कैरिड डाउन। अभी क्रेडिट बैलेंस होने के नाते नेक्स्ट मंथ में ये क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,700। सागर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डिफरेंस हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये डेबिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ के डेबिट नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट स्टूडेंट लास्ट अकाउंट ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है सेल्स अकाउंट का, तो क्रेडिट बैलेंस को हम नोट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में जब हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने सारी एंट्रीज पास कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, स्पेशली पहली वाली एंट्री की पोस्टिंग जो काफ़ी डिफिकल्ट थी। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, देन डू इट राइट नाउ। ठीक है, थैंक यू।